दिनांक 4 मई 2024 को अकोला के पुलिस स्टेशन खदान पर एपीसी 385/24 धारा 457 380 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। उक्त अपराध में घर में हुई सेंधमारी में सोना चांदी तथा रुपए की नकदी चोरी हो गई है। गोपनीय जानकारी के आधार पर अपराध घटित होने के 48 घंटे के भीतर स्ट्राइकुशा टीम ने आरोपी को पेश किया और अहमदनगर जिले से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकोरा गंगापुर जिला संभाजीनगर पर कब्जा कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी सुनील विठल पिंपली उम्र 50 साल व गुरु धनोराटी गंगापुर जिला संभाजीनगर निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान टीम को उक्त अपराध का मुख्य आरोपी विवेक और चाला कमलाकर पिंपली उम्र 40 वर्ष मिला। ग्राम बाजार से गंगापुर जिला चौचुकी यह संभाजीनगर निकला और यह जानकारी मिलने के बाद कि उसने उक्त अपराध में सोने और हीरे के आभूषण बेचे थे, उसे नामुद अपराध में मुख्य भगोड़े आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस निरीक्षक शंकर शेल की स्थानीय अपराध शाखा अकोला द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अपराध मामले को पुलिस उप निरीक्षक गोपाल जाधव और पुलिस अधिकारियों ने एक टीम का गठन किया। इसके बाद नामुद टीम ने उक्त अपराध की जाँच की और तकनीकी मामले और गोपनीय जानकारी के आधार पर अपराध में मुख्य आरोपी का नाम विवेक और चावला कमलाकर पिंपली उम्र 40 वर्ष ग्राम बाजार से गंगापुर जिला संभाजीनगर निवासी ने उसे बिहार राज्य से गिरफ्तार किया और अपराध के कमीशन के दौरान इस्तेमाल किए गए हाइड्रोलिक कटर तीन बड़े स्क्रू ड्राइवर और अन्य सामग्री के साथ साथ रुपए भी जब्त किए हैं। 4 मई 2024 को खदान पुलिस स्टेशन के परिसर में एक घरफोड़ी की घटना हुई थी जिसमे की लगभग 44 लाख का मुद्दे माल गया था। उसकी तपास के लिए स्थानीय गुना शाखा की टीम उसी समय से आरोपी का तपास शुरू किया था। इसमें बीच में दो आरोपी अरेस्ट हुए थे परंतु मुख्य आरोपी का सुराग नहीं लगा था। लगभग 78 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मुख्य आरोपी का पता आरा जिला भोजपुर इस जगह में सामने आया। उसके लिए एलसीबी की टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने मुख्य आरोपी को ताबे में लिया और चोरी का माल उन्होंने इलाहाबाद में दिया हुआ ऐसे माहिती मिली। उसके आगे की तपास में लगभग 25 लाख का माल रिकवर हुआ है एंड जो बाकी बचा हुआ मुद्देमाल है उसके लिए भी स्थानीय गुना शाखा की टीम काम कर रही है। इसमें अभी तक पीआई शेड के स्थानीय गुना शाखा PSI जाधव और उनकी सारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है। आगे का तपास इसमें अभी शुरू है। इसमें अभी तक 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और आई थिंक 2 आरोपी और है। NBC न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।